ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा अति गोपनीय मोहिनी मंत्र बताने जा रहा हूं जिसमें कि स्वयं मोहिनी की दुहाई दी जाती है। ऐसा मंत्र मुश्किल से ही आपको मिल पाएगा, मतलब बहुत मुश्किल है इस तरह का मंत्र मिलना जिसमें कि मोहिनी को ही दुहाई दी जा रही है। और इस मंत्र को मैंने जिस जिस को दिया इसने अपना काम बखूबी किया है। अभी जो मैंने सीरीज चलाई है इसमें वही सारे मंत्र आएंगे जो कि 100% काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो थंबनेल है उसके ऊपर 100% सेटिस्फैक्ट्री का एक लोगो लगा हुआ है। वो इसीलिए है कि जितने भी मंत्र हैं बहुत सरल हैं और बहुत जल्दी असर करने वाले हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए जो शीघ्र अतिशीघ्र काम कर जाए। तो अब मैंने कहा कि चलो इनको ऐसे ऐसे मंत्र देता हूँ जो कि वास्तव में एक या दो दिन में ही काम करना शुरू कर देते हैं। बाकी सब जो है वो आपके ऊपर है, आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं, मंत्रों को किस तरह से आप गुम्फन उनका करते हैं, कैसे इनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्योंकि जहाँ पर त्रुटि हुई वहाँ पर आपका मंत्र काम करना बंद कर देगा। और जब मैं बात करता हूँ शाबर मंत्रों की तो उनमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मंत्र हैं ये कोई कबीलों से आते हैं, कोई देहात से आते हैं, इनमें कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये कहीं से संस्कृत उठा लेते हैं, कहीं से कोई हिंदी उठा लेते हैं, सब कुछ तोड़ मरोड़ के एक मंत्र बना देते हैं। तो इन मंत्रों को शाबर मंत्र कहते हैं। और जो शाबर मंत्र होते हैं ये बड़े ही पावरफुल होते हैं। आप देखिएगा कहीं पर आपको ऐसे दुहाई सी दिख जाए, कहीं पर दुहाई लगा रहे होंगे, कहीं पर वो थोड़ा सा भोजपुरी टाइप मंत्रों में आ जाता है, कहीं पर संस्कृत आ जाती है। तो जब ऐसा मिक्स सा मंत्र आपके पास आए तो ये आप समझ लीजिए कि ये वाला जो मंत्र है ये शाबर मंत्र है जो कि स्वयं सिद्ध होते हैं। और आज का जो मैं मोहिनी मंत्र आपको दे रहा हूँ ये मोहिनी की दुहाई वाला है जो कि रातों रात असर कर देता है। और इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है। कई साल तो मुझे यही समझने में लग गए कि ये जो मंत्र है इसमें एक जगह पर आता है फूल का नाम। अब उस फूल का मुझे पता ही नहीं क्योंकि वो मैंने कभी सुना ही नहीं, तो फिर इसको मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन जैसे ही गूगल आई, जैसे ही हमारे पास इंटरनेट आया, तब मैंने इसको सर्च किया, तब जाकर मुझे पता लगा कि इसको तो गुड़हल का फूल कहते हैं। जो गुड़हल का फूल होता है उसको अदूल कहते हैं। अदूल अदूल ये मेरी समझ से बाहर था। तो फिर इसको जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता लगा कि इसको हिबिस्कस का फूल कहते हैं। अगर हिबिस्कस का फूल आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि माता काली के जो सबसे प्रिय फूल हैं वो अदूल के फूल होते हैं। आप देखिएगा उनकी जो फोटो है उस पर आपको हिबिस्कस के फूल मिल जाएंगे लगे हुए। तो ये वही फूल हैं जो काली माता सबसे अधिक पसंद है। इन फूलों में कुछ ऐसी बात है जो कि दूसरे फूलों में नहीं है। सर्वाधिक पसंद करने वाले जो फूल हैं जिनमें शक्तियां हैं वो हैं गुड़हल का फूल। कई लोग इसकी चाय भी बना के पीते हैं और कई जगहों पर मैंने देखा है कि काली माता को ये फूल जो है चढ़ाए जाते हैं। और आज का जो मंत्र है वो इसी फूल के बारे में है, बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है कि ये जो मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा इसको आपको अदूल के फूल पर अर्थात गुड़हल के फूल पर, हिबिस्कस के फूल पर आपको ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ 12 बार पढ़ देना है। 12 बार पढ़ने के बाद आपको इस फूल को सूखने के लिए रख देना है। जब ये सूख जाए तो इसको पीस लीजिएगा, पीस कर इसका पाउडर बना लीजिएगा। फिर जो भी साध्य आपको आकर्षित करना हो, कोई ऐसी रूपवती हो, कोई ऐसी स्त्री हो जिसने आपकी रातों की नींदें छीन ली हो, जिसको एक बार देखते ही आपको लगा हो कि हाँ यही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो आप इस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। और
अब तक मैंने 3-4 ही रसायन आपको बताई हैं, लेकिन ये वाली रसायन ऐसी है कि सामने वाले को देखते ही देखते वशीभूत कर देगी। कैसे भी करके आपको थोड़ी सी एक चुटकी रसायन जो है वो अपने साथी के सिर पर डाल देनी है। ये क्रिया आपको 3 बार करनी है। 3 बार कभी भी ये जो मैंने आपको रसायन बनानी सिखाई है इसको उनके सिर पर डालिए और फिर देखिए किस तरह से मोहिनी अपना काम करती है। जहाँ पर लोग बातें नहीं करते थे वहाँ पर चिटचैट शुरू हो जाएगी और इतना प्रभावी है कि अगर आपने आज डाल दी तो कल आपसे बातें शुरू हो जाएंगी। चाहे वो व्यक्ति आपको जानता हो ना जानता हो, किसी न किसी तरह से कुछ भी करके सामने वाला जो है वो आपके सामने नतमस्तक होगा। चाहे कुछ भी हो, अपने आप सरकमस्टांसेस चेंज होंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन कुछ भी करके आप दोनों को ये जो प्रकृति है ये एकदम समीप ले आएगी। मंत्र बड़ा ही सरल है, थोड़ा सा फूलर से फूल बसे अदूल फूल में, अदूल फूल मतलब हिबिस्कस का फूल। नरसी बसे वाही फूल, मतलब कि नरसी भी इसी के अंदर रहते हैं। फूल कचनार छोड़ है, कचनार के फूल को छोड़ के त्रिया माए बाप को चल हमार संग, मतलब कि इस मोहिनी मंत्र से अपने माँ बाप को छोड़ के भी आपके साथ हो लेगी। दुहाई मोहिनी माता की, यहाँ पर दुहाई दे दी गई है कि अगर ना चले तो तुझे दुहाई है मोहिनी माता की। तो जिस भी किसी पर ये दुहाई लग जाएगी समझिए वो दिन दिखेगा ना रात, बस 24 घंटे आप ही के बारे में सोचेगा। इतना पावरफुल, इतना सटीक लगने वाला मंत्र बहुत ही विरले ही किसी के पास होगा। आज इसको पब्लिक मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो स्वर्णिम भारत था बहुत पहले, अंग्रेजों से भी पहले, जब देश विदेश से हमारे यहाँ पर तंत्र सीखने लोग आया करते थे, नालंदा की जो 6 महीने की किताबें जो जली थी, तो आप सोचिए कितना ज्ञान जो था वो नष्ट हो गया। तंत्र मंत्र सीखने जब भारत में लोग आया करते थे, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल वैसे ही घर घर में जो है एक एक ऐसा सुपर नेचुरल पावर्स के साथ पैदा हो कि बस फिर से वैसा ही स्वर्णिम भारत बन जाए और सोने की चिड़िया जो है फिर से भारत बन पाए। तो आज से ही इसको ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी, बहुत सरल मंत्र है, मैं समझ रहा हूँ आप एक्साइटेड हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहले तो जो भी गुटखा खाने वाले भाई साहब हैं, बहन जी हैं, वो इन्हें छोड़ दें। उसके बाद बिल्कुल सात्विक होकर मांस मदिरा मीट अंडा ये सब कुछ जो है आपको त्यागना होगा। इसको त्यागने के बाद किसी भी तरह का व्यसन यदि आप करते हैं, बीड़ी गुटखा या फिर कोई भी ऐसा जो नशीला पदार्थ है, उसको परे कर दें। और उसके बाद सुबह शाम ध्यान लगाएं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना हो उसके, और इस मंत्र को गुड़हल के फूल पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बोलना है। जैसे ही आप पेड़ से इसको तोड़ें, जैसे अभी आपने पेड़ से तोड़ा, और उसी समय ये मंत्र बोलना है। ये नहीं है कि वहाँ से आए और फिर आकर आप 1-2 घंटे बात कर रहे हैं, फूल तोड़ते ही साथ आपको ये क्रिया कर देनी है। ऐसा करने से जो फूल है उस पर ये मंत्र चल जाएगा। फिर इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि ये सूख जाए, लेकिन कुछ भी दूसरी, जैसे कोई पक्षी इस पर ना जाए या फिर कोई इसको उड़ा कर ना ले जाए, कहीं पर ये गुम नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी सावधानियाँ रखें कि इसको जो है आप सुरक्षित रख सकें और वैसे का वैसा उठा पाएं। बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, सूख जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका जो है आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर कांच की शीशे में भर लीजिएगा और जब भी कभी शुभ मुहूर्त मिले, जब आप इसको उनके सिर पर डाल सकें, उस समय आपको एक चुटकी इस डिबिया में से निकाल कर उनके सिर पर डाल देना है।
तीन बार करना है, चाहे तो लगातार 3 दिन कर दीजिए या फिर जब भी आपको समय मिले तब कर दीजिए, और फिर देखिए किस तरह से ये प्रकृति जो है वो चमत्कार करेगी। ये प्रकृति कुछ ऐसा कर देगी कि आप कहेंगे कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। मैंने लाखों के काम बनाए हैं इस छोटे से प्रयोग से। आप इसको कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आए, कोई त्रुटि हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9982416625 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।